नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कानपुर देहात से राहुल सिंह कुशवाहा की खास रिपोर्ट। दो दिन पहले एक मासूम बच्चे का दर्दनाक मौत कुचल कर दिया गया था। आइए जानते हैं उसके बारे में क्या है मामला। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के भैंसावा गांव में एक मासूम सनी पुत्र सुनील संखवार की 12 जून को बड़ी बेरहमी से कुचलकर हत्या कर दी गई थी, जिस पर कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर पहुंचकर जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने के लिए इनाम रखा था, जिसका आज रसूलाबाद पुलिस ने महज 3 दिन में खुलासा किया तो पाया कि माँ का आशिक ही निकला मासूम बच्चे का हत्यारा, जो बन रहा था माँ और उसके गाँव के आशिक के प्यार में रोड़ा। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक टायर, ईंट, बच्चे का टी शर्ट आदि चीज़ें बरामद की। अपराधी संतोष कई दिनों से कर रहा था बच्चे को मारने के लिए टारगेट। हालांकि मां को बच्चे के मारने का पता था या नहीं, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। अपराधी संतोष ने पुलिस अधीक्षक द्वारा बुलाई गई प्रेस वार्ता के दौरान इस बात का खुलासा किया कि वह मुझे कई बार उसकी माँ के साथ देख चुका था, इसीलिए उसको मौत की नींद सुलाना पड़ा। आपको बता दें, बीते दिनों रसूलाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम बैसाया में एक मासूम सनी पुत्र सुनील संखवार, जो कि खेलने के लिए साइकिल वाला टायर चलाने के लिए घर से निकला था, जिसकी निर्दयता पूर्वक निर्संग हत्या कर शव को गांव के बाहर एक खेत में स्थित बोरवेल के पास फेंक दिया गया था। हत्या की सूचना से गाँव में सनसनी फैल गई थी। बच्चे के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया था। हर कोई यह कह रहा था इस घटना के आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सूचना पर जनपद के पुलिस कप्तान अनुराग वत्स व अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने आकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों को बताया कि बच्चे की हत्या की गई है। फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके की फोटो लेकर उसका परीक्षण किया जा रहा है। पारिवारिक जनों की सूचना पर संदेह के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, पर जल्द ही पुलिस कप्तान ने इस घटना का पर्दाफाश करने का दावा किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम भैसैया निवासी सुनील कुमार संखवार का 6 वर्षीय पुत्र हैप्पी प्रसिद्ध वर्ष शाम 7 बजे के करीब घर के बाहर खेलते समय अचानक गायब हो गया, जिसको पहले गांव में खूब ढूंढा गया। जब परिवारिक जन हताश हो गए तो उन्होंने थाना रसूलाबाद पुलिस डायल 112 को सूचना दी। कोतवाल तुलसीराम पांडे व डायल 112 की सिपाही रात भर बच्चों की खोज करते रहे। जब बच्चा नहीं मिला वो रात का समय अधिक होने के कारण पुलिस वापस आ गई। बच्चे के पिता सुनील कुमार ने बताया कि सुबह जानवर चलाने गए लोगों ने सूचना दी। रामबाबू खेत के पास बोरवेल के पास हैप्पी का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ मिला, तो परिवारी जनों ने मौके पर जाकर देखा और कोतवाल को सूचना जिससे उसे गिरफ्तार करके कोतवाल तुलसीराम पांडे व पुलिस क्षेत्राधिकारी रामशरण सिंह ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस कप्तान को दी। आइए देखिए आगे खास रिपोर्ट। बच्चा बीच में आया तो फिर बच्चे ने देख लिया था क्या? तो अकेले मारा कि माँ भी शामिल? और कौन था तुम्हारे साथ में? कैसे मारा? फिर खेल रहा था वो कोई चीज मारी सिर पर? पुलिस ने किस तरीके से खुलासा किया और क्या है पूरा मामला? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि एक बच्चा जो गांव भैसाया थाना रसूलाबाद से गायब हुआ था, उसकी डेड बॉडी एक खेत में बोरवेल के पास पड़ी हुई मिली थी, और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सभी पुलिस ऑफिसर्स, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड द्वारा इसका निरीक्षण किया गया था। और ये एक अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट थी, चूँकि एक 6 साल का बच्चा था, और उसके बाद भी ये था कि वो घटना उसका ब्लाइंड थी, ये नहीं पता चल रहा था कि घटना कब हुई है, घटना किसने की है, क्यों की है, ये केस पूरी तरीके से ब्लाइंड था। तो इसमें हम लोगों ने 3 टीमें गठित की थी, जिसमें हमारे एडिशनल SP साहब ने बहुत मेहनत की अपनी टीम के साथ में, CO रसूलाबाद और SHO रसूलाबाद ने एक कम्बाइंड एफर्ट किया, और इसमें सस्टेंड इंटरोगेशन की गई, बहुत लोगों से बुला के पूछताछ की गई, इनफॉर्मली भी गांव में जाके लोगों से पूछताछ की गई। तो इसमें घटना का मोटिव पता चला, और उसके बाद घटना कैसे की, किसने की, ये सब बातें खुल के आई हैं। तो मैं उसके लिए आपको बता दूं कि इसमें जो बच्चा है उसकी माँ और जो अभी अभियुक्त है, इन लोगों में आपस में संबंध थे,
और उन संबंधों की वजह से उसका उसकी माँ के साथ में मिलना जुलना रहता था, जिसको बच्चे ने देख लिया था और ये बच्चा बोलने में थोड़ा एक्टिव था तो ये इस बात को कहता भी था, कभी कभी आपत्ति भी जताता था। ये बात इस अभियुक्त को, जिसका नाम संतोष दिवाकर है, ये इसको नागवार गुजरती थी। जिस दिन घटना हुई है उस दिन भी बच्चा अपने गांव में ही खेल रहा था, टायर चला रहा था और ये व्यक्ति संतोष दिवाकर ये खेत से लौट रहा था। इसने देखा कि बच्चा अकेला है, इसके मन में वो पहले से ही वो भावना थी कि मेरे संबंधों में ये बच्चा बीच में आता है, तो इसने उस दिन मौका पाके बच्चे को ही अपने साथ ले आया और खेत पे लाकर इसको दबा दिया, जिससे बच्चे का सांस रुक गया और साथ ही इसके सर पे ईंट से प्रहार भी किया जिससे उसको चोट लगी। उसके बाद ये व्यक्ति डेड बॉडी को छोड़ के वहाँ से गायब हो गया। तो ये ओवरऑल घटना हुई, इसका मोटिव भी क्लियर हुआ और पुलिस ने इसको बहुत अच्छी तरीके से इस घटना का अनावरण किया है, 24 घंटे में अनावरण किया है। इसके लिए मैं पूरी पुलिस टीम को 25,000 का रिवॉर्ड घोषित करता हूँ और हमारे राजपत्रित अधिकारी के लिए प्रशस्ति पत्र की घोषणा की जाती है। सर, एक सवाल ये कि इसके मां से अवैध संबंध, तो क्या मां को मालूम था कि ये कभी ये घटना को अंजाम दे सकता है? क्या इसकी मां से आपकी कोई इंफॉर्मेशन? जी बिल्कुल, पूछताछ इसमें मैंने जैसे बताया बहुत पहलुओं पे और बहुत सारे लोगों से पूछताछ हुई है और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में उसकी मां का इस बच्चे की हत्या में कोई रोल नहीं पाया गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आगे इंक्लूड होंगे उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इन शॉर्ट कहा तो मां की आशिकी ने बेटे को जान ले ली। मैं इस बारे में पूरी डिटेल में आपको बता चुका हूं कि चूंकि इन दोनों का आपस में मिलना जुलना था और लड़का इस बात को जानता था और वो ऑब्जेक्शन भी बीच बीच में करता था, ये घटना के पीछे एक महत्वपूर्ण मोटिव है। तेज सबसे आगे, खबरें देखें सबसे पहले, आपको करें हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।